अनुपमा सीरियल में श्रुति भले ही कितना भी कोशिश कर रही हो कि उसके और अनुज की शादी हो जाए, लेकिन सीरियल में अनुज और श्रुति की शादी नहीं होगी। सीरियल में अनुपमा और अनुज की ही शादी देखने को मिलेगी, लेकिन ये शादी आखिर कैसे होगी और अनुपमा क्यों शादी के लिए मानेगी, उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दीजिए। आपने सीरियल में ये तो देख ही लिया होगा कि अनुज आज भी अनुपमा को मानना चाहता है और वो श्रुति से बिल्कुल भी शादी करने के पक्ष में नहीं है। वहीं जब से सीरियल में श्रुति और अनुज की शादी वाले सीक्वेंस दिखाया गया है, तभी से दर्शकों का इंटरेस्ट सीरियल को लेकर काफी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सीरियल के मेन लीड अनुपमा और अनुज है और ये सभी जानते हैं कि अनुज की जोड़ी अनुपमा से बनेगी, न कि श्रुति से। और दर्शकों का गुस्सा सबसे ज्यादा आद्या के किरदार को लेकर देखने को मिल रहा है। दर्शकों को आद्या का किरदार बेहद ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन अब सीरियल के इंटरनल सोर्स से ये खबर सामने आ रही है कि अब जल्द ही आपको श्रुति का किरदार अलविदा कहता नजर आ सकता है और अनुपमा और अनुज की जोड़ी बनती दिख सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आद्या कभी पॉजिटिव हो पाएगी या नहीं, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं।